नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका रोज की तरह स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल। हम आपको डेली देते हैं ब्रॉयलर और अंडे के थोक भाव, साथ में ये चिक्स के भाव और अनाज के भाव जो पोल्ट्री फीड में यूज होते हैं, और पोल्ट्री से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। और आज का मुद्दा है कि पोल्ट्री फार्म पे ऐसे कौन से लक्षण या ऐसी कौन सी बारीकियां जो आप अपने बर्ड में देखें और पहले ही पहचान जाएं कि कहीं कोई बीमारी आने वाली तो नहीं है या किसी बीमारी की शुरुआत तो नहीं है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आने वाले वक्त में ये एक विकराल रूप ले लेगी और आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। तो शुरू करते हैं एक से, लेकिन एक निवेदन भी यही है कि अगर आप बीच में कोई मुद्दा छोड़ देंगे, कोई चीज़ स्किप कर करके देखेंगे या अंत छोड़ देंगे तो इससे कुछ भी फायदा आपको नहीं होने वाला। शायद जो मुद्दा आप स्किप करें वही आपके पोल्ट्री फार्म को बर्बाद कर रहा हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपको पोल्ट्री के अंडे के रेट और मुर्गे के रेट, ब्रॉयलर के रेट आपके मोबाइल पे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आ जाती है इसको आप दबा दें। अब शुरू करते हैं। नंबर वन, आप बर्ड का जब पोस्टमार्टम करेंगे, ये मान लीजिए बर्ड मर गया, आप इसको डॉक्टर के पास तो आप लेके जाएंगे ही, वो तो है, लेकिन आप खुद भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक आध बर्ड कहीं बार मरता है तो पोल्ट्री फार्मर सोचता है कि एक बर्ड है क्या लेके जाना। ये जो सांस की नली, अब ये दो नलियां होती हैं, एक होती है फीड की, गले में जो फीड भर जाता है और फिर वो जाता है आंतड़ियों में, और दूसरी सांस की नली है। दो ही नलियां हैं, तो पहली नली से फीड जा रहा, दूसरी से सांस जा रही है। सांस की नली को आप खोलेंगे, अगर इसमें लालिमा, लालपन कहीं नजर आता है तो आप समझ लें कि कोई सांस की बीमारी है, और आप तुरंत उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि सांस की नली में इस तरह की समस्या है, और एक दो बर्ड जो मरे हुए हैं उनको भी ले जाएं। दो, अगर आप पोल्ट्री फार्म पे एंट्री करते हैं, देखिए पोल्ट्री फार्म पे काम तो आपकी लेबर ने करना है, ये आप खुद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एंट्री कर रहे हैं और आप देखिए कि वहाँ कुछ बर्ड पंख फैलाकर बैठे हैं अगर, और अपने मुंह को नीचे ज़मीन की तरफ रखे हुए हैं, और जिस तरह मान लो मर चुके हों, लेकिन आप उनको हिलाते हैं तो भाग पड़ते हैं, लेकिन दो चार मिनट बाद उस बर्ड पर नज़र रखेंगे और वो फिर जाके दोबारा कहीं आपको बैठता हुआ दिख रहा है फिर उस हालात में, तो आप समझ जाइए कि वहाँ आपके पोल्ट्री फार्म पे कोई समस्या की शुरुआत हो चुकी है। आप उन एक दो बीमार बर्ड को भी डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मरे हुए बर्ड लेके जाने हैं, आपको बीमार भी। तीन, पोल्ट्री फार्म पर अगर बीट लाल रंग की आ रही है, उसमें मांस आ रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद बीटें पोल्ट्री फार्म पे हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हरे रंग की बीट अगर पोल्ट्री फार्म पे हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पर कोई ना कोई समस्या आने की शुरुआत हो गई है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, फीड की, पानी की क्वालिटी को आपको चेक करना पड़ेगा, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए और उसे बताइए, और कि ऐसे ऐसे उनकी फ़ोटोज़ भी आप लेकर जरूर जाइए अपने मोबाइल में, क्योंकि डॉक्टर के पास आप बर्ड लेकर जा रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म के हालात डॉक्टर वहाँ पर नहीं देख सकता, तो फोटोज़ हर बीट की 20-30 फोटो में, 5 फोटो में, 10 फोटो में, जितनी आपको पर्याप्त लगती हैं आप उतनी ज़रूर लेके जाइए। नेक्स्ट, खून की बीटें, अगर बीट में खून आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि, वैसे तो उसको सीधा समझ लीजिए, इसको कॉक्सी के नाम से जाना जाता है, कॉक्सी में भी एसआर वलिना, मैक्सिमा, टनेला, ये बहुत सारी हैं, उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे, लेकिन अगर बीट में खून आ रहा है तो वो अलग मुद्दा है, बीट में मांस आ रहा है तो वो अलग मुद्दा है। जो पहले बताया, बीट में मांस अगर आ रहा है और वो लालपन लिए हुए मांस है तो वो बर्ड फीड तो खाता रहेगा लेकिन वजन नहीं देगा। ये समझ लीजिए कि कुछ बर्ड की आंतड़ियां कट कट के, उनके शरीर के अंदर के कुछ पार्ट कट के बाहर बीट में आ रहे हैं, उसको हम एंट्राइटिस कहते हैं, और अगर खून आ रहा है उसको हम कॉक्सी कहते हैं। तो आपको बीट में खून मिले या मांस के लोथड़े मिले तो आप समझ लीजिए कि हमारा बर्ड में कुछ समस्या है, और पहली स्टेज पे कंट्रोल कर लें। ऐसा नहीं कि हर बीमारी की स्टेज जो है आखिरी स्टेज पे ही आपको कंट्रोल करना, कि पूरे फार्म पे बर्ड मरने लगे, फीड खाए जा रहे हैं, वजन नहीं दे रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट, पैर, आप अपने पोल्ट्री फार्म पे जब एंटर करें शांति से देखें, बीच में बैठ जाएं, बर्ड के पैरों की तरफ नज़र रखें कि कहीं उनके पैरों में कहीं खून के धब्बे तो नहीं हैं। अगर उनके पैरों में खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं, या आप कुछ बर्ड उठा के भी देख सकते हैं, उनके पैरों की तलियों में
अगर आपको जख्म नजर आ रहे हैं या उनको आपको ऐसा लगता है कि खाद उनके पैरों में यूं चिपकी हुई है और आप उसको हटाएंगे तो वो बर्ड के पंजों में खून भी निकल आएगा, इतने बुरी तरह से वो चिपकी हुई है, तो आप समझ लें कि आपके पोल्ट्री फार्म पे कोई समस्या है। इसका समाधान तो जो है आपको मैं ही बता देता हूँ। आपको तुरंत अपने पोल्ट्री फार्म पे जो लीटर है, जिसको हम चावलों का छिलका कह लें या लकड़ी का बुरादा कह लें, वो थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि उनके बर्ड के पैर जमीन के संपर्क में कम रहें, कहीं दिक्कत आ रही है, खाद गीली हो रही है, सीधे शब्दों में तुरंत इसका आप एक्शन लें। नेक्स्ट, जो बर्ड है उसके अगर शरीर पे कहीं खून का धब्बा नज़र आ रहा है, कई बार बर्ड बर्ड को काटने लगते हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो बर्ड को प्रोटीन कम जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर बर्ड बर्ड को काट रहा है तो अपने फीड की फार्मुलेशन चेक करें, उसमें कैल्शियम चेक करें, पानी की क्वालिटी भी चेक करें और पानी के अंदर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन उनको भी आप चेक करना शुरू कर दें। नेक्स्ट, बर्ड पर कहीं सफ़ेद दाना या कुछ धब्बे अगर आपके उसके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, वो भी समस्या की शुरुआत है, तुरंत एक्शन लें। आपने पोल्ट्री फार्म पर जाते ही जो मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को सिर्फ पोल्ट्री फार्म पे बीच में बैठिए, बर्ड को देखिए, दूसरी जगह बैठिए बर्ड को देखिए, और छत पर या आपका अगर पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ भी बैठिए, बीच में तीन चार जगह आप बैठिए, उनको बर्ड को चेक करिए। नेक्स्ट, एकदम से आप पोल्ट्री फार्म पे एंट्री कर रहे हैं, एक दो बर्ड मर गए तो कोई बात नहीं, आपको ओके ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत एक 10-15 बर्ड मरे तो आप समझ लीजिए कोई समस्या है। पहली समस्या जो एकदम से बर्ड मरे हैं, वो हो सकता है हीट स्ट्रोक गर्मियों में, सर्दी में हो सकता है कि वो कोई और लक्षण हो, चूजों में हो सकता है वो निमोनिया हो या और कोई अटैक हो या चिक्स क्वालिटी आपकी ठीक नहीं आई, आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और एक के पास नहीं दो के पास लेके जाना है। हो सकता है कि एक डॉक्टर आपको कम बातें बताए और आपको दवाई लिख दे, क्योंकि चिक्स जब ख़राब आता है तो कोई भी डॉक्टर किसी भी कंट्रावर्शियल बात में नहीं आना चाहता, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं किसी हैचरी वाले से दुश्मनी लूं, तो इसलिए वो चिक्स की क्वालिटी को ख़राब कभी नहीं बताएगा। दूसरा डॉक्टर भी हो सकता नहीं बताए, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि इसमें निमोनिया है या इसमें कोई और बीमारी है या इसमें कोई और लक्षण है। अलावा इसके बाद आप जब भी अपने पोल्ट्री फार्म पर एंट्री करते हैं, रात के वक्त आप लाइटें बंद कर दें और बर्ड के बीच में आप बैठ जाएं। बीच में जब आप बैठेंगे बहुत शांत माहौल होगा, बर्ड भी बिल्कुल अंधेरे में बैठ जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म पर लाइट कितने वक्त पर कितनी देनी चाहिए वो अगली वीडियो में। और तो उससे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बर्ड के अंदर कोई खरड़ खरड़ की आवाज़ या इस तरह की कोई आवाज़ छींकने की आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाएं कि कोई समस्या का आगमन शुरू हो चुका है, और तुरंत उसमें मल्टीविटामिन तो आप अपनी मर्जी से बर्ड को बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन या लीवर टॉनिक आप अपनी मर्जी से कभी भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा भले ही हो या ना हो वो अलग प्रश्न चिन्ह है। तो आपको मल्टीविटामिन अपने बर्ड को शुरू कर देना है, और फिर बर्ड को आप जो मर गए हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, उनके लक्षण जो हैं वो डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे आ सकता है। आजकल मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बहुत अच्छे आ गए हैं, तो आप मोबाइल में वो आवाज़ रिकॉर्ड करके भी डॉक्टर को सुना सकते हैं। नेक्स्ट, कलंगी। कलंगी एक ऐसा बड़ा साधारण सा एक सिस्टम है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा पोल्ट्री फार्म का बर्ड कहीं बीमार होने की शुरुआती स्टेज में है। कलंगी पर कहीं आपको निशान नज़र आ रहे हैं, कलंगी आपको ऐसा लगता है कि कहीं बिल्कुल डल और फीकी होती चली जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि समस्या की शुरुआत हो चुकी है, तुरंत किसी डॉक्टर के अच्छे कंसल्टेंट की आप मदद लें। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपका जो बर्ड है वो उसका जो है कुछ उसके चेहरे से बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है, निढाल लग रहा है, सुस्त लग रहा है, या कलंगी नीलेपन, एक बर्ड से कुछ नहीं होगा, एक बर्ड से नीले में उसमें हो सकता है चोट लगी हो, बहुत सारे बर्ड में अगर आपको ऐसा लग रहा है, कलंगी अगर पीली पड़ रही है, नीली पड़ रही है, तुरंत समझ जाएं कि समस्या की शुरुआत हो चुकी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कारण बहुत सारे हैं लेकिन समस्या है ये पक्का है, कौन सी समस्या है ये आपको डॉक्टर बताएगा। वीडियोस अपने मोबाइल में बनाकर कुछ फोटोज लेकर डॉक्टर के पास जाएं। आंखों के आसपास सूजन, जी हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक आध बर्ड पूरे शर्ट में जिसकी आंखों के आसपास सूजन है वो चोट हो सकती है, लेकिन अगर कई बर्ड आपको 5-7-10 ऐसे नजर आ गए तो गंभीर समस्या की शुरुआत समझ लीजिए।
तुरंत तुरंत आप डॉक्टर के पास भागें, चाहे बारिश है चाहे तूफान है, आप डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के पास भागें। एक के पास जाएं अच्छी बात है, दो के पास जाएं उससे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आजकल जो कॉम्प्लिकेशन इतने हो गए हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वक्त के हिसाब से ढल गए हैं, कुछ वहीं पुराने ज़माने के अपने आप को बुद्धिजीवी समझे हुए हैं और वक्त के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहे और अपने आप को महाबुद्धिजीवी समझते हैं और उनके कहे हुए डायग्नोस कई बार काम नहीं करते। तो इसलिए दो डॉक्टर के पास आप जाएँ, 100 रुपये की फीस ही तो लग जाएगी और दो पर्चे आपके हाथ में आ जाएंगे, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कौन सी दवाई महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दोनों ने ही लीवर टॉनिक लिखा है तो लीवर टॉनिक तो आवश्यक होगा उस पोल्ट्री फार्म पर देना। एंटीबायोटिक किसी ने अलग लिखा है किसी ने अलग लिखा है तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि एंटीबायोटिक तो देना जरूरी है। और एंटीबायोटिक चेंज मत करिएगा, दोनों डॉक्टर ने जो लिखा उसमें से आप एक ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें हो सकता है कि गट एक्टिंग और सिस्टम एक्टिंग, उन्होंने जो लिखा है एक आप जरूर ले लीजिए। अब विटामिन्स और मिनरल जो हैं जो उनके, वो आप अपनी मर्जी से ले भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा और अपने मित्रों से भी सलाह कर लीजिएगा। इसके बाद लंगड़ापन, एकदम से अगर आपको लगता है कि पोल्ट्री फार्म पे लंगड़ापन आने की समस्या आ रही है तो आप समझ जाइए कि कुछ समस्या है। ऐसा नहीं है कि लंगड़ापन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम या B12 या D3 या फास्फोरस इसकी वजह से आता है। ये वीडियो हमने डाली है वैसे लंगड़ापन के ऊपर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो लेकिन कई बार ये लंगड़ापन और भी कोई समस्या हो सकती है, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएँ और इसका जो है ऐसा ध्यान रखिए कि कुछ एक दो बर्ड जो आपके जीवित हैं उनको भी आप लेके जरूर जाएं, उससे डॉक्टर को अंदाजा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे पर और ब्रॉयलर और अंडे के रेट लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।